नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। हाँ तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 जून 2020 को आपके सामने हाजिर हूँ राजधानी दिल्ली से। दोस्तों वैसे तो कल भी परसों भी अब लगातार ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि हमें हर समय ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपके संपर्क में रहना पड़ेगा, टच होना पड़ेगा। क्योंकि अभी 11 बजे से हम एक ऑनलाइन बैठक करने जा रहे हैं अपने तमाम साथियों के साथ, जिसमें हम रणनीति बनाएंगे अपने 7 जुलाई 2020 के ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण सत्याग्रह आंदोलन के लिए। ये 7 जुलाई को हम किस तरह से अपने सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाएं और हम सफल हों अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने में, ताकि जितने भी हमारे ठगी पीड़ित भाई बहन हैं, चाहे वो बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, गोवे के हों, गो राइड के हों, हेलो राइड के हों, हमारी सवारी, हमारा वाहन, हमारा सारथी, आरएमसीएल, कैची पिक्सल, साइंस सिटी, एवरग्रीन, एनएमएम और जेबीसी, हीरा गोल्ड, पीएसीएल, सहारा स्कैम, यानी कि जितने भी स्कैम अभी तक हमारे देश में हुए हैं या हो रहे हैं ठगी प्रकरण, उन तमाम स्कैम्स के पीड़ितों को, उन तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों को उनका पैसा, उनकी मेहनत की कमाई जो ठगों ने बेईमान ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के सहयोग से हड़प ली है, लूट ली है, वो उनकी कमाई हुई रकम उनको तय समय सीमा के अंदर वापस मिले, दोगुनी होकर के मिले। इसलिए हम इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया था, हमारे राष्ट्रपति ने इसे 21 फरवरी 2019 को नोटिफाइड किया था अपने आपातकालीन विशेषाधिकारों का उपयोग करके। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरह से आपको सूचना का अधिकार मिला है, भोजन का अधिकार मिला है, रोजगार का अधिकार मिला है, बोलने का अधिकार मिला है, उसी तरह से आपको अपनी ठगी हुई रकम को वापस पाने का अधिकार मिले। और ये अधिकार आपको अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मिलता है, तय समय सीमा में मिलता है, 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। इसलिए इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम पूरी ताकत पूरी शक्ति लगा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाली 7 जुलाई 2020 को आप तमाम पीड़ित भाई बहन अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे साहस के साथ एक हल्ला बोल आंदोलन ठगों के और बेईमान सिस्टम के खिलाफ 7 जुलाई 2020 को करेंगे। दोस्तों दूसरी बात मैं जो इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हालात में रात रात में चेंज आ गया है। रात को ही मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि संजय भाटी ने, जो बाइक बोट स्कैम का महाठग है, जिसने हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों के शरीर से उनके रक्त तक को निकाल करके विदेशी बाजारों में बेच दिया था, उस महाठग संजय भाटी ने अपने दलाल एमएमसी राजेश पांचाल, रविंदर सिंह चौहान वगैरह और कुछ ठगिनियों के सहयोग से कोर्ट से जमानत लेने का षड्यंत्र रचा है। जिस 10 जुलाई का झांसा आपको एमएमसी राजेश पांचाल दे रहा है कि वो 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से कोई रिट पिटीशन फाइल करेगा, वो राजेश पांचाल आपके साथ षड्यंत्र रच रहा है, धोखा कर रहा है, छल कर रहा है। रात को ही सूचना मिली है, तमाम ग्रुप्स में मैंने वो शेयर कर दिए हैं, जो कोर्ट हियरिंग लिस्टेड हुई है संजय भाटी की, वो 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को लगातार 3 दिन उसकी जमानत याचिकाओं पर सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में सुनवाई होनी है। और वो छल कर रहा है कि जो आपसे अधिकार पत्र गर्भित वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर भरवाए गए हैं, उन तमाम अधिकार पत्रों को वो कोर्ट में दाखिल करके अपना सेटलमेंट दिखा दे आप लोगों के साथ, और वो जेल से, कोर्ट से जमानत लेकर के जेल से बाहर आ जाए। और जिस तरह से राशिद नसीम साइंस सिटी का ठग दुबई भाग गया है, उसी तरह से संजय भाटी भी ये देश छोड़ करके भाग जाए, उसका पूरा प्लान ये है। दोस्तों मैं आप सबको सावधान करता हूं, क्योंकि 7 जुलाई से पहले उसकी जमानत याचिका लगी हुई है, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को और 4 जुलाई को। तो दोस्तों अब चूंकि ये आपातकालीन स्थिति बन गई है, अर्जेंट हमारे विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, तो ऐसे हालात पर नियंत्रण पाने के लिए, उस संजय भाटी को दबोचने के लिए, उसके दलालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें उसकी ये जमानत याचिकाएं किसी भी मूल्य पर निरस्त करवानी है। और तमाम साथी जो भी जहां भी हैं,
वो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, डाक के माध्यम से, या जैसे भी हो सके, वैसे आप सबको संजय भाटी की इस जमानत याचिका का विरोध करना है, उसकी जमानत याचिका को निरस्त करवाना है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन उसकी जमानत याचिकाओं का विरोध करने के लिए अपने वकील साहिबान को जनपद गौतम बुद्ध नगर के जिला न्यायालय में पेश करेगी। हम लोग पेश होंगे, उसकी जमानत याचिकाओं का विरोध करेंगे, अपने तमाम साक्ष्य अदालत के समक्ष रखेंगे और संजय भाटी को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार हम किसी भी मूल्य पर लेने नहीं देंगे। दोस्तों, दूसरी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी जो भी गौतम बुद्ध नगर के आसपास रहते हों या जिनके लिए संभव हो आना, वो 2 जुलाई को, 3 जुलाई को और 4 जुलाई को सब जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में आएंगे और संजय भाटी की जमानत याचिकाओं का विरोध करेंगे जमकर के। और जो यहां नहीं आ सकते वो अपने थानों पर, अपनी तहसीलों पर, अपने जिलाधिकारी कार्यालयों पर संजय भाटी की जमानत याचिकाओं का विरोध करेंगे। मैं एक ड्राफ्ट बनाकर आज ही सर्कुलेट करता हूं, वो ड्राफ्ट, वो एप्लीकेशन आप जिलाधिकारी को, आप अपने को, तहसीलदार को, थाना अधिकारी को, एसडीएम को, जहां भी जो भी सरकारी ऑफिसर मिले उसको देंगे और संजय भाटी की जमानत याचिकाओं का विरोध करेंगे। हमें हर हाल में, हर मूल्य पर संजय भाटी, करणपाल, भूदेव और जितने भी हैं, दीप्ति बहल, रविंदर वर्मा, रीता चौधरी वगैरह वगैरह जितने भी हैं, उन सबकी जमानत याचिकाओं को निरस्त करवाना है, किसी की भी जमानत नहीं होने देनी है। साथियों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं इसी वीडियो संदेश के माध्यम से कि आप लोगों को विचलित होने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि संजय भाटी के दलाल और उसकी दल्लियां बहुत प्रयास कर रहे हैं ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को रोकने का, तोड़ने का और मुझे किसी भी षड्यंत्र में फंसाने का। मेरी हत्या का साजिश रची गई, आप सबको पता है, मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया गया, ये आपको नहीं पता था, मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी अभी अभी पता, वो बातें ध्यान में आई कि मुझे क्यों जो है इस तरह का भोजन अचानक मेरे सामने लाया गया और वो सौभाग्य से मैंने नहीं खाया, मैं बच गया, मेरी जगह कोई और जीव की हत्या हो गई। तो मेरे दिमाग में अभी ये बातें चली कि कितना बड़ा षड्यंत्र मेरी जान लेने के लिए इन दुष्टों ने रचा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं अपने आत्मविश्वास के बल पर, उस परम पिता परमेश्वर की कृपाओं के बल पर कि कोई भी दुष्ट, कोई भी हत्यारा, कोई भी ठग या ठगनी आपके इस सेवक मदनलाल आजाद की हत्या नहीं कर पाएगा, न छल से, न बल से, न किसी तरह से। जब तक आप तमाम लोगों का पैसा नहीं मिल जाएगा, जब तक हम अपने देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं कर देंगे, तब तक संसार की कोई भी शक्ति मेरी हत्या नहीं कर सकेगी, मेरा वध नहीं कर सकेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस तरह के कितने ही षड्यंत्र अब तक मेरे साथ घटित हुए हैं, मेरे जीवन में हुए हैं। मैंने हर षड्यंत्र पर, हर छल पर, हर हमले पर, हर लड़ाई में विजय प्राप्त की है और कोई भी ठग, कोई भी बेईमान मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है। और उसका कारण ये है कि मैं सत्य के रास्ते पर चलता हूं। मुझे मारने के लिए जो हथियार चाहिए वो सत्याग्रह का हथियार है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए, न्याय के मार्ग पर चलते हुए मुझ पर हमला करेगा तो वो विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो सत्याग्रही होगा, जो न्यायप्रिय होगा, वो मुझ पर हमला करेगा ही क्यों। जो ठग होंगे, बेईमान होंगे, उनके दलाल होंगे, बिकाऊ लोग होंगे, स्वार्थी होंगे, घृणित जीव होंगे, जिन्हें लगता है कि मदनलाल आजाद के कारण उनका 2 नंबर का ठगी का धंधा बंद हो जाएगा, उनकी जिंदगी जेलों में सड़ जाएगी, ऐसे दुष्टात्मा ही मेरे साथ कोई छल करने का प्रयास करेंगे, मुझ पर हमला करने का प्रयास करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आपको घबराने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब वो समय बहुत नजदीक आ गया है जब आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई आपको वापस मिलने के लिए जा रही है। 6 अगस्त को ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट आपके रिकवरी केस पर सुनवाई करेगा। संजय भाटी, करणपाल वगैरह की जमानत याचिकाएं हम निरस्त करा लेंगे, किसी भी मूल्य पर कुछ भी करना पड़ेगा हम इनकी जमानतें कैंसिल कराएंगे, आपका पैसा वापस दिलाएंगे। अब इन ठगों को हम किसी भी मूल्य पर बचने नहीं देंगे। इसलिए आप कोई भी साथी बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, तनाव नहीं लेगा किसी भी प्रकार से कि कोई ठग या ठगनी या उनके दल्ले या दल्लियां हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। दोस्तों, आपको केवल इतना सा करना है कि जिन लोगों ने अभी तक ऑल इंडिया बाइक बोट यूनियन की मेंबरशिप नहीं ली है, वो तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की सदस्यता लें और हमें
इतना धन इतनी मेंबरशिप प्रदान कर दें कि इन ठगों को और इनके दलालों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अभी ये 40 लाख चिल्लाते हैं कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के नाम पर मदन लाल आजाद ने 40 लाख रुपए ले लिया 4000 लोगों से 1000 रुपए की फीस लेकर के। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस 40 लाख को 40 करोड़ में बदल दो, क्योंकि देश में 10 करोड़ ठग पीड़ित हैं और 10 करोड़ ठग पीड़ित अगर एक एक रुपया भी देंगे तो 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे, अगर 4-4 रुपए देंगे तो वो 40 करोड़ हो जाएंगे। आप लोग धन का त्याग करें, अपने समय का त्याग करें और हमें अपनी शिकायत भेजें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन ठगों से, इनके दलालों से, इन ठगनियों से अपनी पावन पवित्र भूमि को मुक्त करेंगे, पवित्र करेंगे और इन ठगों का, ठगनियों का सर्वनाश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।